इट शुड बी इन अलाइनमेंट विद व्हाट एनडीए एक्सपेक्ट्स. एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर वो रिपीट होते रहता है. द सक्सेस एट एसएसबी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क. हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो. तो ये वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है अपने इंजीनियरिंग वाले से. तो अभी एनडीए रिटर्न एग्जाम एनडीए 2024 अभी 1 सितंबर को है, तो उसके लिए ये वीडियो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए रिटर्न इन लास्ट 10 डेज. लाइक अभी 10 डेज है ये वीडियो, जब तक आएगा प्रोबेबली 7 दिन हो जाएंगे. सो आज हमारे साथ है रिशेल. तो रिशेल ने एनडीए रिटर्न क्लियर किया था, एसएसबी में भी वो रेकमेंड हुई थी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो एनडीए में कंटिन्यू नहीं कर पाई. तो एक बार उससे उसका इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं और वीडियो चालू करते हैं. हेलो एवरीवन, आई एम रिशेल. मैंने एनडीए का रिटर्न और एसएसबी क्लियर किया था. आई वाज रेकमेंडेड. मेरा ऑल इंडिया रैंक 33 था और गर्ल्स में ऑल इंडिया रैंक 6 था. आई वाज सिलेक्टेड फॉर द एयरफोर्स कैडर. या सो अभी तो ये वीडियो में स्पेसिफिकली अपन रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं. तो एक पहला क्वेश्चन आता है कि अभी लास्ट 1 हफ्ता बाकी है, तो उसमें अभी कैसे पढ़ना चाहिए? ओके, तो अभी इन द सेंस पढ़ना नहीं चाहिए, रिवाइज करना चाहिए उनको. लाइक वट एवर यू हैव डन फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, योर 11th 12th का जो भी बेसिक्स है वो सारे ब्रश अप कर लो. और इट शुड बी इन अलाइनमेंट विथ वॉट एनडीए एक्सपेक्ट्स, क्योंकि एनडीए डज नॉट, मतलब जितना जेई का लेवल है या बोर्ड का लेवल है उतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, राइट? इट इज़ अ वास्ट सिलेबस टू कवर बट रिलेटिवली ईजी टू कवर. तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करो एंड गो थ्रू द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड रिपीटेडली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड आई थिंक इट विल बी गुड. ओके, सो मतलब ये तो बेसिक स्ट्रैटेजी हो गई कि अभी लास्ट वीक में क्या करना है. तो अभी सपोज किसी का सिलेबस उतना नहीं है, जैसे बताया कि वास्ट सिलेबस है तो सब कंप्लीट नहीं कर पाते, तो अभी जिनका नहीं हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए अभी? मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी था, मेरा भी पूरा कवर नहीं हुआ था सिलेबस, क्योंकि हमारे टाइम पे वी हैड जेई एंड एनडीए, लाइक देर वॉज अ गैप, लाइक 1 वीक ही था गैप. तो मैंने पीसीएम और करंट अफेयर्स और बायोलॉजी पे फोकस किया था एंड इंग्लिश एज वेल, क्योंकि जो सोशल साइंस का एरिया है, लाइक यू हैव हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, वो काफ़ी वास्ट है एंड द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम लिटरली एनीवेयर एंड इट इज़ अ ह्यूज एरिया टू कवर. सो सिंस हम सबका बैकग्राउंड जो होगा वो आइदर पीसीएम या बी होगा, राइट? तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो 10th 11th 12th के बेसिक से आता है. इंग्लिश आई थिंक इट इज़ ईजी, लाइक वो सेंटेंस देते हैं कम्प्लीशन के लिए, सो वर्बली यू कैन कम्प्लीट, तो इंग्लिश भी ईजी हो जाता है. एंड करंट अफेयर्स, गो थ्रू द मोस्ट द हॉटेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स. लाइक मेरे टाइम पे इसरो के चीफ बदले थे, सो दैट वॉज लाइक द इट जस्ट हैपेंड लाइक अ वीक बिफोर द एग्ज़ाम. सो गो थ्रू द मोस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स या इंडिया में जो कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो सब पढ़ के जाओ. तो अभी एनडीए रिटर्न में 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं, एक था मैथ्स और एक होता है जीएटी. तो जीएटी में 150 क्वेश्चंस रहता है, 50 इंग्लिश, 50 केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो एंड 50 फॉर लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी. तो अभी जैसे तुमने बताया कि ज्योग्राफी और वो सब बहुत वास्ट हो जाता है, तो इंग्लिश पे, मैथ्स पे, मैथ्स तो खैर अलग ही पेपर ही हो जाता है वो, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे फोकस कर रहे हैं. तो वो जो 50 क्वेश्चंस है, अगर वो नहीं भी पढ़ा उसके लिए बहुत ज़्यादा, तो कैन वी क्लियर एनडीए रिटर्न? या आई मीन यू कैन, क्योंकि हिस्ट्री का थोड़ा तो आइडिया होता है, इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली नेगलेक्ट योर सोशल साइंस पार्ट, गो थ्रू इट बट डोंट फोकस ऑन इट एज मच, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज रियली वेरी ईजी इन एनडीए एंड इंग्लिश इज़ सॉल्वेबल, इट इज़ नथिंग, मतलब कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते उसके. एंड रिमेनिंग इज करंट अफेयर्स, जैसे मैंने कहा ऊपर का जो इंपॉर्टेंट है वो करके जाओ. एंड एज शी आस्क्ड लाइक अगर वो 50 नहीं किए तो क्लियर हो सकता है क्या? वैसे तो इफ़ यू वॉन्ट अ वेरी गुड स्कोर देन यू विल हैव टू डू इट, बट उससे नहीं किया तो भी एनडीए के मेरिट में, लाइक अभी लड़कियों का कम सीट्स है तो यू हैव टू स्कोर मोर, बट लड़कों के लिए इफ़ यू आर इन द टॉप 400 और सो रैंक यू विल हैव टू चेक योर स्कोर्स अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो. सो अभी लास्ट के कुछ दिनों में समवन शुड फोकस ऑन मैथ्स या फिर जीएटी, अगर दोनों का इक्वली ही पढ़ाई हुआ है तो आई वुड से मैथ्स पे फोकस करो, बिकॉज दैट इज़ वॉट
आई डिड एंड इट वर्क्ड फॉर मी बिकॉज स्कोरिंग है एंड इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर यू कैन क्लियर इट इन अ जिफी लाइक इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड. गैट का कैसा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के यू डोंट गेट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और नथिंग मच वेर यू हैव टू यू नो यूज़ टू मच ऑफ योर ब्रेन्स. बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना तो सॉल्व हो जाता है. तो अगर मैथ्स पे एंड ऑल्सो योर मार्क्स का डिफरेंस क्योंकि मैथ्स में योर पॉजिटिव्स आर 2.5 एंड नेगेटिव इज आई गेस 0.83 एंड गैट का इट्स 4 एंड माइनस 1.33. तो मैथ्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू फोकस ऑन. द रेस्ट यू कैन रिवाइज बट इफ़ यू हैव इक्वली डन बोथ ऑफ देम देन आई थिंक मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दो. एक चीज़ आती है सेक्शनल कट ऑफ की कि मैथ्स और जीएटी में इंडिविजुअली 25% स्कोर करना पड़ता है टू गेट द मतलब फाइनल कट ऑफ लिस्ट में अपना नाम आने के लिए. तो मतलब उस पर कैसे क्या कोई वर्क कर सकता है? कट ऑफ के लिए अभी वही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी. लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर सी द थिंग इज इट शुड बी मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजी क्योंकि जस्ट जाके एग्ज़ाम देना और स्कोर करना ऐसे नहीं होता. पहले तो देखना पड़ता है आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और पेपर कहाँ से पूछ रहा है. तो उस हिसाब से यू विल हैव बिकॉज सम क्वेश्चंस रिपीट एवरी ईयर लाइक ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वेक्टर्स ये जो है मैथ्स के बहुत रिपीटिंग मतलब इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. तो इफ़ यू आर गुड एट इट ऑल्सो इफ़ यू प्रैक्टिस मोर ऑन इट तो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. सेक्शनल कट ऑफ का उनको टेंशन हो जाना चाहिए जिन्होंने 2 साल पढ़ाई नहीं की होगी. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए देन यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली. जीएटी में एज सच 150 क्वेश्चंस रहते हैं बट टाइम मैनेजमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि कंपैरेटिवली मतलब मैथ से कंपेयर किया तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं. बट मैथ्स में एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे डील कर सकता है? ओके सो ये अच्छा है क्योंकि ये सबके साथ होता है. बहुत सारे क्वेश्चन है यू लाइक नीड बोथ एक्यूरेसी एंड स्पीड इन एग्जाम्स लाइक दिस. तो पहले तो जो नहीं आता वो छोड़ दो क्योंकि 120 क्वेश्चन है राइट. डोंट जस्ट मतलब डोंट स्टे स्टक ओवर देयर. आगे के क्वेश्चंस देखो सॉल्व करो बिकॉज इफ़ यू स्टे स्टक एट वन क्वेश्चन देन यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ टाइम. देर आर 120 क्वेश्चंस टू गो थ्रू ऑल द 120 क्वेश्चंस एंड देन कम बैक टू द क्वेश्चंस यू थिंक दैट यू कैन सॉल्व इफ यू हैव टाइम लेफ्ट राइट. तो वो करो क्योंकि वो फिर ऐसे ईगो पे आ जाता है कि नहीं सॉल्व करना ही है. बट आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट स्किप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड डू द वंस यू कैन डू क्योंकि मार्क्स डिफिकल्ट हो या ईजी क्वेश्चन हो सबके 2.5 मार्क्स ही है ना. तो so, हाँ ये बात तो बहुत सही है कि कुछ लोगों का होता है नहीं मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ एंड वही क्वेश्चन पे अटक जाता है. बट वही क्वेश्चन करो या फिर कोई ईजी वाला तो मैं मार्क्स तो सेम ही मिलने वाला है. एक बताना था कि रिटर्न का कितना वेटेज जब सपोज कोई SSB के बाद रिकमेंड हो जाता है तो 50-50 हो जाता है कि मेरिट के हिसाब से जब SSB से रेकमेंड हो जाता है तो 50-50 लेते हैं रिटर्न और SSB के स्कोर का. तो रिटर्न के स्कोर को कितना मतलब कितना खींचना चाहिए आउट ऑफ 900? सो द ईयरली कट ऑफ फॉर ईच ईयर इज़ अराउंड 380 मार्क्स राइट. तो इफ़ यू कैन स्कोर अबाउट 450 अराउंड 450 और 500 के रेंज में आ जाते हो देन यू आर वेरी सेफ. बिकॉज सी द थिंग इज़ दैट रिटर्न का पेपर हमारे हाथ में होता है. जो SSB का इंटरव्यू होता है इट इज़ मतलब द सक्सेस एट SSB इज नॉट प्रपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क. वो तुम्हारे मतलब इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर एज अ पर्सन. तो हाथ में अभी फिलहाल तो रिटर्न है तो रिटर्न अच्छे से करो. बाद में SSB के लिए अगेन इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर योर अपब्रिंगिंग. तो वो उसके मार्क्स तुम कुछ कर नहीं सकते. ऑल यू कैन डू इज गिव योर बेस्ट. सो रिटर्न के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ. स्कोर एज मैनी मार्क्स एज यू कैन इन रिटर्न राइट. बिकॉज अगेन इट इज़ अ टेस्टमेंट ऑफ योर हार्ड वर्क इफ यू गेट गुड मार्क्स इन रिटर्न. तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट वेन यू गो टू SSBs. सो अभी आउट ऑफ 900 फॉर द रिटर्न एग्जाम सो 450-500 के अराउंड सेफ स्कोर है टू क्लियर द कट ऑफ एंड ऑल्सो टू रिकमेंड मतलब अगर सपोज कोई रिकमेंड हो रहा है तो मेरिट में भी ये स्कोर से वो सेफ जोन में है या फिर दे हैव टू स्कोर मोर जिससे देर इज़ अ श्योरिटी कि भाई रिकमेंड होने के बाद मैं मेरिट में आ सकता हूँ अगर SSB में मेरा जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है तो भी. सो 450 के ऊपर इज़ अ वेरी गुड स्कोर राइट. बट इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू लाइक यू नो क्लियर ही करना है एंड यू वॉन्ट टू बी इन दैट मतलब अगर एवरेज के रेंज में आ रहा है तो 400 के ऊपर चल जाएगा. बट अगेन SSB में वही है ना कि तुम्हारे हाथ में नहीं है मार्क्स एंड इफ़ यू जस्ट गोइंग टू यू नो जस्ट ऐसे ब्रिस्क थ्रू दी मार्क्स लाइक बस ऐसे ही कट ऑफ पास हो गए ऐसे नहीं चलता राइट.
तो अच्छे से करो, क्योंकि मेरिट में आने के लिए सी देर आर ओनली 400 सीट्स एंड फॉर गर्ल्स आई गेस दिस ईयर लाइक हमारे टाइम पे 19 सीट्स थी, आई थिंक दिस ईयर इट इज़ अराउंड 35. तो 400 माइनस 35 उतनी सीट्स लड़कों के लिए, तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है एंड इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जाम दैट यू आर अपियरिंग फॉर. तो ऑब्वियसली गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ बोथ रिटन एंड SSB वुड बी रिकमेंडेड. सो अभी मतलब जैसे कि अगेन मतलब वही चीज़ ड्रॉप डाउन हो जाती है कि मार्क्स अभी रिटर्न में जितने ज़्यादा स्कोर कर सको उतना करो. तो अभी लास्ट फ्यू डेज़ में अगर कोई जस्ट कट ऑफ रेंज में आ रहा है या किसी का अच्छा आ रहा है, तो अभी सिग्निफिकेंटली या 10-20 नंबर से ही वो अपने स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकता है? सो फर्स्ट विल बिगिन विथ मैथ्स. मैथ्स का डोंट सिट एंड सॉल्व क्वेश्चन नाउ, जस्ट गो थ्रू द अप्रोच कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट. बाकी गैट के लिए यू विल हैव टू गो डू सम रिगरस रिविजन, लाइक पूरी रात रात बैठ के करना पड़ेगा. यू हैव अरिहंत का बुक है, अरिहंत पाथफाइंडर करके, उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं. बाद में नेट पे तो ढेर सारे हैं, लाइक यू हैव टेस्ट बुक करके है, उनके ऑनलाइन क्विजेज होते हैं एंड यू गेट मेनी क्वेश्चन ऑन योर टेंथ, मतलब NDA रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व लाइक डे इन डे आउट, जस्ट कीप सॉल्विंग क्वेश्चन एंड या आई थिंक दैट शुड वर्क. तो अभी लास्ट एक हफ्ता 8 दिन वगैरह है, तो अभी मॉक टेस्ट किसी को देना चाहिए? अगर सपोज किसी ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो क्या उन्हें मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर उन्हें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? और अगर किसी ने मॉक टेस्ट दिए हैं तो क्या उन्हें मॉक टेस्ट कंटिन्यू करना चाहिए? मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू शुड नो, यू शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ द एग्जाम दैट यू आर अपियरिंग, राइट? तो क्योंकि जो आप घर पे करते हो या कोचिंग क्लासेस में करते हो, जो एनवायरनमेंट होता है और जो एग्ज़ाम हॉल में होता है, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, राइट? सो इफ़ यू टेस्ट योर सेल्फ अंडर सच कंडीशन, देन यू विल बी ईजीली एबल टू डू दिस, यू विल बी एबल टू इमिटेट द सेम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, राइट? तो मॉक टेस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं दिए, अभी से रोज़ लगाओ एटलीस्ट वन, ओके? एंड जिन्होंने दिए है ऑलरेडी. एंड ऑल्सो वन थिंग, वेन यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, डू इट अकॉर्डिंग टू द NDA का टाइमिंग, सो दैट योर बॉडी इज ऑल्सो इन सिंक विथ वॉट इज़ हैपनिंग. क्योंकि NDA का दोपहर का एग्जाम आई थिंक इट्स एट 2:30, फिर खाने के बाद ऐसा नींद नहीं आना चाहिए एग्जाम के टाइम. सो वर्क अपॉन इट, इफ़ यू सेट योर बॉडी क्लॉक अकॉर्डिंगली, इट विल बी हेल्पफुल. मॉक टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि तभी आपको, क्योंकि आप आराम से बैठ के सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन आप एक घंटा भी कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट व्हाट द एग्जाम एक्सपेक्ट्स, राइट? यू हैव टू डू इट इन अ वेरी कंस्ट्रेंड अमाउंट ऑफ टाइम. सो अभी लास्ट फ्यू डेज़ में एक बहुत ही स्ट्रेस का, टेंशन का भी माहौल रहता है कि अभी एग्ज़ाम है, प्रेशर आ रहा है कि ये क्लियर करना ही करना है, एंड क्लियर हुआ इज़ वन स्टेप, आगे बहुत सारी और लाइंड अप चीज़ें हैं, इंटरव्यू है, SSB में जाना है, बहुत सारी चीज़ें रहती है दिमाग में. तो हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड मतलब ऐसा कंसंट्रेट कैसे करें कि बाकी जो चीज़ें हैं वो सब ना सोच के अभी सिर्फ रिटन एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करने की? हाँ, तो ये तो होता है, लाइक बहुत टेंशन आता है, बहुत मतलब फटती है वैसे एग्ज़ाम के टाइम. बट अगेन, इफ़ यू हैव मतलब अपने ऑनेस्टली काम किया होगा ना, तो डर नहीं लगता. लाइक ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो ट्राई अगेन इफ़ यू हैव अटैम्प्ट्स. इफ़ यू डोंट, ग्रेजुएशन के बाद भी अटैम्प्ट्स है, बट उसके लिए ना वही अपने से जो हमने खुद काम किया है ना, उस पर भरोसा होना चाहिए. लाइक वट एवर यू हैव डन, यू शुड नो कि यू हैव डन इट राइटफुली एंड यू हैव डन इट ऑनेस्टली, तभी फिर डर नहीं लगता. अदरवाइज इफ़ यू हैवेंट प्रिपेयर देन फीलिंग्स के इट इज़ इनएविटेबल, तो फिर नहीं होगा. यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड. अभी कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो भी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो अभी एग्ज़ाम में लाइक अभी सपोज जितना पढ़ाई हुआ है, बट एग्ज़ाम में इज़ देयर एनी चांस टू डू गेस वर्क जिससे थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ सकते हैं, लाइक विथ श्योरिटी? ऐसा नहीं कि गेस करते करते नेगेटिव में ही चले जा रहा है. हाँ, मतलब गेसिंग इंपॉर्टेंट है, बट इंटेलिजेंट गेसिंग होनी चाहिए. ऐसे लाइक बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होना चाहिए. लाइक थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट, एटलीस्ट एलिमिनेट द ऑप्शंस, राइट? कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. इवन इफ़ यू आर एबल टू जगल बिटवीन टू ऑप्शंस, की 50-50% तो हो सकता है इंस्टेड ऑफ 25, मतलब चार ऑप्शंस होते हैं, राइट? तो इफ़ यू कैन एलिमिनेट टू, योर चांसेस आर बेटर. बट अगेन, यू शुड रियली बी श्योर अबाउट इट, क्योंकि फिर नेगेटिव में जाने में कुछ फ़ायदा नहीं है. इंटेलिजेंट गेसिंग करो. तो अभी जैसे मॉक टेस्ट का अपन बात कर ही रहे थे, तो मॉक टेस्ट में एक पैटर्न रिपीट होता है, मतलब एक
पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर वो रिपीट होते रहते हैं और उसी के आसपास के आते हैं. तो कुछ कई बार होता है कि कोई चैप्टर मैंने नहीं करा है बट मुझे वो पैटर्न पता है वो क्वेश्चन का, तो मैं एग्जाम में सॉल्व करूँगी. सो डज दैट वर्क? या आई मीन दैट इज़ वॉट यूल हैव टू बिफोर योर इवन प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम. आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन से रिपीटेडली कौन से ईयर से कितने क्वेश्चन आए. तो या देर आर अ फ्यू क्वेश्चन विच रिपीट, लाइक आई सेड वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स और ट्रिग्नोमेट्री. उधर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और सेम टाइप के रिपीट होते हैं, लाइक एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये सब पूछा जाता है. तो इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद इट, इट बिकम्स ईजियर, क्योंकि फिर वहाँ पर जाके यू डोंट हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स एज सच. तुम्हें पता है कि ये फॉर्मूला है, यू कैन सॉल्व इट. तो अभी जैसे जी ए टी में एज सच बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का इतना प्रॉब्लम नहीं है. सो मतलब हाउ शुड वी सॉल्व कि पेपर में सपोज कोई एक्स, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सपोज सी आंसर है, तो ओ एम आर में सी मार्क तभी कर देना चाहिए या फिर पूरा पेपर एक बार सॉल्व होने के बाद धीरे धीरे ओ एम आर मार्क करना चाहिए? सो आई विल टेल यू टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग, ईजिएस्ट इज इंग्लिश एंड द स्कोरिंग इज इंग्लिश. फिर तुम पी सी बी, उनमें से जो तुम्हारा ईजी है उधर से शुरू कर सकते हो. एक्चुअली दे आर मिक्सड, सो यू डोंट गेट लाइक पी सी बी का अलग अलग सेक्शन. ठीक है, सो फर्स्ट वुड बी इंग्लिश, सेकेंड वुड बी योर साइंस, देन यू कैन गो फॉर सोशल साइंस. एंड देन सेकेंड क्वेश्चन वॉज ओ एम आर का. सब कुछ सॉल्व करने के बाद नहीं मार्क करना है ओ एम आर, क्योंकि इफ़ यू डोंट हैव टाइम एट दी एंड, तो जो तुमने सॉल्व की है अगर तुम उसको मार्क नहीं कर पाए देन इट इज़ फूलिशनेस. तो सब कुछ जो जो सॉल्व कर रहे हो एट द सेम टाइम मार्क करते जाओ. तो अब अपनी मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो क्लियर हो ही गई है, बस एक और चीज़ कि एग्ज़ाम डे और उसके एक दो दिन पहले कैसे क्या एग्ज़ाम को मतलब लाइक मॉक टेस्ट देना है या कैसा रिवाइज करना है, एंड ऑन द एग्ज़ाम डे क्या करना है? सो फर्स्टली लाइक वन और टू डेज बिफोर द एग्ज़ाम रिवाइज करो, टाइम वेस्ट मत करो. मतलब जो जो चीज़ें रटने की होती है राइट, जिनमें यू हैव टू मतलब मेमोरी में जगह लगती है उसके लिए, तो वो रिवाइज करते रहो. जैसे बायोलॉजी में यू हैव स्पीशीज़ के नाम होते हैं या डिजीज़ के नाम होते हैं, जो भी हो वो सब रिवाइज करते रहो लाइक वन टू डेज बिफोर. एंड ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम लाइक डोंट डू एनीथिंग, जस्ट चिल मारो, लाइक हो जाएगा. अभी क्या है, अभी दो साल पढ़ाई किया है, एक दिन में कुछ बदलने वाला है नहीं. तो जस्ट एन्जॉय, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली. द होल जो प्रोसेस है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लाइक द रिटन एग्जाम टू इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर SSB, दैट इज़ तो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है. तो पूरा प्रोसेस एन्जॉय करो, अच्छा होता है. इट्स डोंट इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. सो हाँ, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो. रशेल ने बहुत सारे इंसाइट्स दिए अबाउट NDA रिटन एग्ज़ाम, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. एट टाइम्स शी वॉज वेरी ब्लंट, बट आई गेस वो ज़रूरी होता है टू गेट द रियल एसेंस ऑफ द एग्ज़ाम और हाउ डज एवरीथिंग वर्क. तो हाँ, थैंक यू रशेल फॉर योर टाइम. हम लोग लेक्चर बंक करके तुम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं. क्या बोलेंगे इस पर? हाँ, मतलब अभी दूसरों का भला करने में क्या जाता है. तो अच्छा था, थैंक यू आशी. चलो, थैंक यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. अच्छे से करना. हाँ, फोड़ के आ जाना. ठीक है. मैं वो थोड़ा थोड़ा हटा, मैं खुद ज्यादा ब्लंट बोल रही हूं. क्यों? क्या बोला? तो ठीक है ना भाई, सही है, ऐसा ही तो कंटेंट अप्रिशिएट होएगा. ऐसे घुमा फिरा के बोलेंगे तो पॉइंट क्या है? वापस करना है क्या? रॉय इज द बेस्ट भाई.